नमस्कार बच्चों, मैं ममता शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर जानसर रोड मुजफ्फरनगर। आज की कक्षा सप्तम में विषय हिंदी में आज हम उपविषय पद प्रकरण बाल लीला का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी पद साहित्य के कालों में एक काल भक्ति काल है। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि जैसे तुलसीदास, कबीरदास आदि। इनमें तुलसीदास जी राममार्गी उपशाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि सूरदास जी कृष्णमार्गी उपशाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला, वात्सल्य वर्णन, भ्रमर गीत आदि का मनोहारी चित्रण ब्रजभाषा में किया है। दृष्टिहीन सूरदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि जब प्रेम हृदय से निकलता हो तो हमें आँखों की आवश्यकता नहीं होती, केवल शुद्ध हृदय ही प्राप्त होता है। कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश के दैदिप्यमान सूर्य हैं, जिनके सामने अन्य कवि तारे व नक्षत्र मात्र बनकर रह जाते हैं। आइए सूरदास कवि के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालते हैं। कवि सूरदास जी, सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा रोड पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामदास था और ये एक गायक थे। सूरदास जी के द्वारा रचित प्रमुख रचना सूरसागर है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सूरसरावली, साहित्य लहरी आदि। सूरसागर के दसम स्कंद में दो प्रसंगों कवि कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत का भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अपने अद्भुत कल्पना के सहारे सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का दिव्य वर्णन प्रकट किया है। इस मनोहारी वर्णन में बालक कृष्ण की चपलता, स्पर्धा, आकांक्षा व अभिलाषा प्रकट होती है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। सूरदास जी की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि माने जाते हैं। इनका देहांत सन 1585 ईस्वी में हुआ था। आइए प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला पद का अध्ययन करेंगे। मैया मोही दाओ बहुत खिजायो, मैया मोही दाओ बहुत खिजायो, मोसु कहते मोली कोलीनो, तू जसुमती कभी जायो, कहाँ करो यही ऋषि के मारे, खेलने हो नहीं जात, पुनि पुनि कहती कौन है माता, कौन है तेरो तात, गोरी नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसते सभी मुसीकात। कितना सुंदर वर्णन क्या है सूरदास जी ने इस पद में। तू मोही को मारने सीखी, दाऊ कब ने खीजे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे, सुनो कान्हा बल भद्र चबाई, जन्मति ही को धूत, सूर श्याम मोहि गौधन की सो, हो माता तू पूत। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने भावों को कितने
सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए इस पद का हिंदी में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पद है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। यहाँ पर बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हुए कह रहे हैं और पूरे पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, बल दाओ भाई, मुझे बहुत अधिक खिजायो माने चिढ़ाते हैं। कहते हैं मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। मेरे मोसो माने ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है प्रस्तुत पद में। कहते हैं कि मोसो माने मुझसे, कहते हैं कि तुझे तो यशोदा माता ने मोल खरीदा है और जसुमती कब जायो, जायो माने पैदा करना, तुम्हें यशोदा माता ने कब पैदा किया, तुम्हें तो यशोदा माता ने मोल खरीदा है। और कहते हैं कहाँ करो यही ऋषि के मारे खेलने हो नहीं जात। कृष्ण भगवान कह रहे हैं ऋषि माने यहाँ पे गुस्से में, क्रोध में, क्रोधित होकर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, बाल दुख का वर्णन किया गया है यहाँ पर, कह रहे हैं कि इस गुस्से के कारण मैं कहीं भार किसी के साथ खेलने भी नहीं जाता हूँ। कहते हैं पुन्नी पुन्नी कहती कौनी है माता, कौनी है तेरो तात। पुन्नी पुन्नी यानी प्रस्तुत पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरे पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। पुन्नी पुन्नी माने बार बार, और बार बार कहते हैं कौन है तेरी माता और कौन तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हें ज्ञात नहीं है, तो मुझे ऐसा कहकर दाऊ यानी कि बलराम चिढ़ाते हैं। कहते हैं गोरी नंदी जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। और कहते हैं कि नंद बाबा गोरे वर्ण के हैं और यशोदा माता गौर वर्ण की हैं, तुम श्यामल सांवले शरीर यानी श्यामल वर्ण के तत् कहाँ से आए हो। और कहते हैं चुटकी दे दी ग्वाल नचावत हसत सभी मुस्कात। और कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल, बाल सखा की मंडली जो है वो मुझे चुटकी दे दे कर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं। हसत सभी मुस्कात ऐसा कहकर सारी बाल मंडली हंसती है और मेरा मजाक उड़ाती है। फिर क्या कहते हैं इसके बाद में तू मोही को मारने सीखी दाऊ कब ने खीजे। कहते हैं कि हे माता तुमने तो सिर्फ मुझे मारना ही सीखा है, दाऊ कब नहीं खीजे। दाऊ मतलब बलराम भाई के लिए कहा गया है, उनके बड़े भाई, कि तुमने तो कभी भी बलराम जी को कभी नहीं डांटा है, तुमने तो सिर्फ मुझे मारना ही सीखा है। और कहते हैं मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझे। जब यशोदा माता मोहन यानी कि बालकृष्ण के लिए कहा गया है इसमें मोहन, कि मोहन के मुख से क्रोधित होते हुए जब ये सारी बात कहते हैं, क्रोध में भरी हुई ये सारी बातें सुनते हैं, तो यशोदा माता सुनकर, सुनी सुनी यहाँ भी पुनरुक्ति अलंकार है, कि सुनकर बार बार उन पर रीझ जाती हैं यानी कि उनकी बातों पर उन्हें क्रोध नहीं आता और प्रसन्न होती हैं, अंदर ही अंदर सुख का आनंद महसूस करती हैं। कहती हैं सुनहु तान्हा बल भद्र चबाई। और कहती हैं ताना यहाँ पे कृष्ण जी के लिए कहा गया है कि सुनो कान्हा, हे कृष्ण सुनो ये बलभद्र चबाई यानी ये जो बलराम है ये क्या है, चबाई चुगली करने वाला है, ये तो शुरू से ही चुगली करता है। और कहता है जन्मत ही को धूत, ये तो जन्म से ही, धूत माने चालाक, जन्म से ही चालाक
है, इसकी बात मत करो, ये तो जन्म से ही धूत है या चालाक है। अब फिर इसमें क्या कहते हैं, सूर्य श्यामी मोहि गौधन की सो हो माता तो पोत। और यशोदा माता बाल कृष्ण से क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बाल कृष्ण जी को समझाते हुए कह रही हैं कि मोहि गौधन की सो, कि मुझे गोवर्धन पर्वत की या गौ का जो धन है दूध, गाय के दूध की गोवर्धन पर्वत की सौगंध है, मुझे कसम है मैं खाती हूँ। हो माता तो पुत, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो शुरू में बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रही हैं, फिर माता यशोदा बाल कृष्ण को समझाते हुए सारी बातें अपने मन की कह रही हैं। प्रस्तुत पद में आपने सुना, समझा और इसके अर्थ को जाना। अब इसका काव्य का सौंदर्य, प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का मनमोहक प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस पद में वात्सल्य रस का भावपूर्ण वर्णन किया गया है और प्रस्तुत पद में पुनी पुनी सुने सुने पुंडुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे माँ माँ, यहाँ पे भी माँ माँ है, पा पा, इस तरह से पूरे पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आइए बच्चों, सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला का हमने ये पद पढ़ा, आपने समझा सुना। अब इस पद के पद में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका भी निवारण कर लेते हैं। जैसे खिजायो पद में आया था, खिजायो माने चुड़ाना, क्या अर्थ है इसका, चुड़ाना। जायो, जायो का अर्थ है पैदा किया। खीजे, खीजे का अर्थ है डांटना। चबाई, चबाई चुगली करने वाला। धूत, धूत कहते हैं चालाक। गौधन, गोवर्धन पर्वत की कसम। हो, हो का अर्थ है मैं। प्रस्तुत पद में कुछ प्रश्न बनते हैं, आपके सामने इनको रखते हैं, आप इन्हें समझेंगे और याद करेंगे। प्रश्न नंबर एक, श्री कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी वर्णन किस कवि ने किया है? अब श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन सूरदास कवि जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से उनका चरित्र प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर दो, प्रस्तुत पद में बाल कृष्ण किसकी शिकायत किससे कर रहे हैं? अब प्रस्तुत पद में बाल कृष्ण बलराम, उनके बड़े भाई थे जिन्हें दाऊ कहा जाता है, दाऊ के नाम से भी जाना जाता है, दाऊ जी की शिकायत माता यशोदा से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? माता यशोदा से। दाऊ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? दाऊ शब्द बलराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, बाल कृष्ण की क्रोध भरी बातों को सुनकर मन ही मन कौन प्रसन्न हो रही हैं? बाल कृष्ण की क्रोध भरी बातों को सुनकर मन ही मन यशोदा माता प्रसन्न हो रही हैं। बाल कृष्ण बलराम श्री कृष्ण को कौन कौन सी बातें कहकर चढ़ाते हैं? इस प्रश्न नंबर पाँच, बलराम श्री कृष्ण को कौन कौन सी बातें कहकर चढ़ाते हैं? बलराम जी श्री कृष्ण जी को यह कहते चढ़ाते हैं कि तुम्हें तो माता यशोदा ने मोल लिया है। नंद बाबा गोरे रंग के हैं और यशोदा माता गौर वर्ण की हैं, आप सांवले रंग के श्याम वर्ण के कहाँ से आए हो? आपको तो नंद बाबा और माता यशोदा ने मोल खरीदा
है। तो इस बात को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत मतलब दुखी होते हैं और सारी शिकायतें अपनी माता यशोदा के सामने रखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सूरदास जी द्वारा रचित बाली लीला का पद पढ़ा, काव्यगत सौंदर्य समझा। अब आपको गृह कार्य में बताए गए प्रश्नों, जो ये प्रश्न अभी बताए थे, इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और सहपाठ्य में सूरदास जी द्वारा रचित किसी एक अन्य रचना का अध्ययन करना है। धन्यवाद।